नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम मेरठ की किठौर विधानसभा क्षेत्र के मरकापुर गांव पहुंची, जहां पर हमारी टीम ने क्या माहौल है इसको जानने की कोशिश की। हालांकि सीट पर बीजेपी के सतवीर त्यागी का कब्जा है, लेकिन इस बार क्या माहौल है, क्या उनके पक्ष में लोग वोट करेंगे या फिर गठबंधन के पक्ष में लोग जाएंगे, इसको लेकर लोगों से बात की। देखिए लोगों ने क्या कहा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और जनता का इस बार क्या मूड है इसी को जानने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची हुई है मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के मारकपुर गांव में। मेरे साथ तमाम यहां के लोग जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मूड है, क्या माहौल है। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं, ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है जी। राजू जी, ये बताइए 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल बजा हुआ है, क्या मूड है जनता, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाह रहे हैं? अजी सपोर्ट तो जब करेंगे, पहला वोट तो जब देंगे किसी को, जब हमारी सुविधा होगी कोई, हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ। आज लोग कोई हमारे यहाँ तो आता ही नहीं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत रास्ते की है सबसे बड़ी, हमारे रास्ते कच्चे पड़े हैं आज लोग भी, जबकि मेरठ के पास में गाँव में हमारा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है यहाँ। कोई आज लोग कोई जिला पंचायत विधायक कोई आज लोग हमारे यहाँ आया ही नहीं। तो एक बार रास्तों को जरूर दिखाऊंगा। राजीव कहना के रास्ते ठीक नहीं है, तो ये गांव का मुख्य मार्ग है, इसको अगर कहें देशी भाषा में तो दगड़ा कह सकते हैं, क्योंकि रास्ता ये नहीं है। दगड़े हुआ करते थे पहले जमाने में, बारिश पड़ते ही वहां पर कीचड़ उठ जाती थी, लेकिन ऐसा ही ये दिखाई दे रहा है। जो यहाँ रोड़ा पड़ा है इन लोगों ने खुद से यहाँ पर डलवाया है। आपका क्या नाम है? नरेश कुमार है जी। नरेश जी, क्या माहौल है, क्या मूड है, क्या चीज देखते हुए वोट करेंगे आप? बस यही रास्ते वास्ते सही होने चाहिए जी, विकास होना चाहिए। अब जिसने जो विकास अच्छा करेगा उसे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आपने उनसे इस बारे में बताया? नहीं बताया। बता जी उन्हें तो हमें तो करे कौन जो उन्हें वोट देगा उनका ही काम करेंगे। तो आप लोग क्या वोट नहीं करते हैं जी? आप लोग वोट नहीं करते? करते हैं वोट, कोई कहीं कर रहा कोई कहीं कर रहा, एक जगह तो जाती नहीं सब। सतवीर त्यागी है यहाँ पर विधायक, आप फिर भी इतने वंचित शोषित कैसे रह गए, विकास कार्य क्यों नहीं हुए? मुख्य मार्ग है ये, मैं देख रहा हूँ पीछे से, मैं आ रहा हूँ, गंदा पड़ा है रास्ता, दगड़े हैं, ये कैसे क्या कहेंगे? हाँ क्या कहे भाई, बताओ। कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करा यहाँ बिल्कुल भी। सतवीर त्यागी जी ने कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। मैं मुख्य प्रधान हूँ गाँव का, मौजूदा प्रधान है। इधर आइए जरा आप प्रधान, क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज जी ये बताइए, आप प्रधान है, आपने यहाँ इसी योजना में प्रधान बने हैं, तो कुछ आपने अपने स्तर पर काम कराया है? कराया हाँ। क्या क्या करा दिया? मैंने 32 लाख का काम करा दिया। और आपके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से सतवीर त्यागी, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम कराया है? हमारे यहाँ नहीं कराया कुछ भी। आए तो आते नहीं आते? आवे है कभी कभी, आवे है जो काम पड़े बुलावे, जो बुलावे तो आवे, अन्य आते ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पर आते हैं। तो आपने कोई बताया नहीं कि गांव के रास्ते खराब हैं, कितनी आबादी है? 100 फेरे बता ली हमने। कितनी आबादी है? हमें 2200 की आबादी है। बावजूद इसके मेरठ के करीब होने के बाद भी ये इलाका ऐसा क्यों है? ऐसा इलाका यूँ ही, कोई विधायक बढ़िया नहीं है और कोई ऐसा कोई वो प्रमुख बना बढ़िया नहीं, जो भी है सब ऐसी है। अच्छा, पहले जो विधायक थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने काम नहीं कराया? कैसा कराया? क्या काम कराया उन्होंने? कराया खड़ंजे भी लगवाए हैं गाँव के और जंगल में भी लगवाए। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आप इस गांव में रहते हैं, लेकिन इस गांव की सड़कों की हालत खराब है जी। अब इस बार जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हम तो यही है जी, रास्ते सही हो जाए, वोट तो देनी है, और जो है रास्ते सही हो जाए, सभी पब्लिक को जो है, हम रास्ता सही रहेगा तो कोई सुविधा रहेगी। अब रास्ते में हमारी बुग्गी टूट जाती है, बुग्गी फंस जाती है, तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, बच्चे भी ट्यूशन जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, दिक्कतें होती हैं? हाँ जी बहुत ज्यादा जी, गाड़ी नहीं आ पाती, गाड़ी भाई उतार दे रास्ते में बीच में आधा किलोमीटर दूर। सांसद भी आपके हैं और विधायक भी आपके हैं, फिर ऐसा क्यों है कि ये इलाका रह गया? अजी ऐसा ही नहीं रह गया, जब अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो सब आ रहे हैं, करा देंगे, बाद में कोई नहीं सुनता, तो ये है बस, अब तो काम निकल गया छुट्टी। अच्छा, काम निकल गया छुट्टी। एक बार कहूंगा अपने सहयोगी से, इन नालियों को भी दिखा दें, नाली जो है अटी हुई है, अगर यहाँ पानी रुक जाए तो शायद सड़क पर आ जाए। हालांकि ये लोगों की परेशानी है, पीड़ा है, यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं है। मैं और लोगों से बात करूंगा।
ये बताइए क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी ये बताइए, रास्ते तो आपने बता दिए कि बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य क्या व्यवस्था है? पानी का बिजली की तो अच्छी है। अच्छा, हाँ तो रास्तों की दिक्कत है? हाँ जी, रास्तों की दिक्कत है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं दिमाग में इस बार वोट करने जाएंगे? वोट तो जी भाजपा को ही देनी पड़ेगी, क्या करें, वो तो हमारी मुसीबत वो है। भाजपा को क्यों देनी पड़े, क्या मजबूरी है? मजबूरी यू है जी, देश को बचा रही है और क्या यो मजबूरी है। अच्छा, कहाँ बचाया देश को जरा बताएगा? देश को नहीं बचाया जी, हाँ वो तो कर ही रहे हैं जी, वे सही काम तो। अच्छा, जब आपके क्षेत्र में काम नहीं होगा, देश को तो बचा लिया, लेकिन आप यहाँ नर्क जी जिंदगी जियेंगे तो फिर कैसे चलेगा जी? पहले तो इससे भी ज्यादा खराब था स्थिति। अच्छा, पहले तो इससे भी ज्यादा खराब थी। तो आपने विधायक जी से कहा कि हमारे रास्ते बनवाइए, हम वोट करते हैं आपको? अब कोई जाने को हस्ते गाँव से तैयार नहीं, विधायक तो बनवाई देता नहीं, जब कोई गया नहीं हस्ते। तो विधायक तो आते होंगे, भले ना विधायक आए नहीं, विधायक आता नहीं, आप जाते नहीं? हाँ हम गए नहीं। कैसे काम चलेगा, विधायक आएंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं, रास्ते खराब है, फिर कैसे काम? अच्छा, मैं एक बात यहाँ ये बताना चाहूंगा कि भले ही पार्टियां हिंदू मुस्लिम पर चुनाव कर ले, लेकिन जो मुद्दे हैं वो धरातल पर रहते हैं। भले ही भाजपा को वोट पड़े, लेकिन भाजपा को वोट करने वाले लोग भी अपने हक हकूक की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भाजपा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है इसका खामियाजा इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सके। हालांकि कुछ लोग और जुड़े हैं, युवा हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी सनी। सनी, हाँ रहते हो? यही मारकपुर में रहा है जी। ये बताओ, पढ़ते लिखते हो या मजदूरी करते हो? जी मजदूरी कर रहे, पढ़े लिखे आठवीं है, कौन नौकरी दे रहा? आठवीं पढ़े लिखे हैं, कोल्लू में गांडे लगा रहे। अच्छा, गांडे लगा रहे हो, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए क्या दिमाग में है इस बार वोट करेंगे? अब क्या वोट वोट देंगे उसे, क्या कहें, पंजे को, कांग्रेस को? हम ना देवे फूल सूल को। सब देख लिया, क्या देख लिया कांग्रेस में? बस सब कुछ देख लिया, जो इस सरकार ने भी कुछ ना दिया और दिया किसी ने भी ना, पर आपका पंजे को देंगे हम तो। गड्ढे में जाएगी वोट पंजे तो, यहाँ तो कांग्रेस का प्रत्याशी ढंग का नहीं है। बस ना है ढंग का ना से, अब तो आपका पंजे पे वोट देनी है। अच्छा, ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है सपा बसपा भाजपा को देखकर थक गए, इसलिए कह रहे हैं? दो साल जेल काट ली और क्या चाहिए? जेल क्यों काटी? आप उल्टा अपने पे केस लग रहा है इससे। क्यों केस लगा? मर्डर होगा भैया का, उल्टा हमें ही फांस दिया। किन्ने फांस दिया? गांव को नहीं और क्या, गांव के क्यों फांसेंगे? और किन्ने फांस दिया? एक हाथ का हमारा बाप जेल में है, दो ढाई साल होने हो गए, डेढ़ साल जेल हम काटिए। सुनवाई हुई नहीं कहीं? किसी ने भी ना सुना, कोई सी सरकार ने ना सुना, जिंगे को चले उंगे इधर होगा पीछे पड़ गए, उल्टे हमारी पिटाई हो रही है, उल्टा हमें ही फांस रही है। अच्छा देखिए, एक बड़ा आरोप है, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कोई अपराध हुआ हो और उसमें एविडेंस ना मिले, या फिर घर का ही फंस गया, पुलिस ने नहीं सुनी, इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे। हालांकि यहाँ की अगर बात करी जाए तो मैंने पहले भी कहा, भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, लेकिन उनके प्रत्याशियों से, उनके नेताओं से लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि धरातल पर काम नहीं हुए हैं। भले ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रत्याशी या विधायक गिनाते रहे, लेकिन अपने स्तर से उन्होंने कोई खास काम नहीं किए हैं। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मेरठ के मारकपुर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम प्रत्याशी और तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बुढ़ाना विधानसभा से आजाद समाज पार्टी ने सलीम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। सलीम चौधरी एक मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर तहसील में नामांकन किया। वहीं इस दौरान सुबोध उनियाल के साथ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कोविड गाइडलाइंस के साथ सुबोध उनियाल ने नामांकन किया और जीत का दावा किया। सुबोध उनियाल ने बताया कि क्षेत्र की जनता का बीजेपी के पक्ष में वोट करने का अच्छा रुझान आ रहा है। हम लोग वोट का रिश्ता विकास से बना के तब जनता के बीच आते हैं, तो वोट का रिश्ता जब जब विकास से जुड़ता है तो निश्चित रूप से जनता का जो निर्णय होता है वो हमेशा विकास के पक्ष में होता है। सर, जिस तरह से अब ओम गोपाल हैं वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो कितना इसमें प्रभाव? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में बहु पार्टी व्यवस्था है, तो वो भी एक पार्टी है जो धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खत्म कर चुकी है, तो उसका भी उम्मीदवार आएगा। सर, क्या संदेश आप नरेंद्रनगर की जनता को देंगे आप? देखिए, जो आज जिस तरह से नरेंद्रनगर को, चाहे वो उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो,
करने, चाहे वो तकनीकी शिक्षा में पॉलिटेक्निक का प्रश्न हो या ITI का प्रश्न हो, चाहे वो डिग्री कॉलेजेस और आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजेस हों, चाहे पावर सब स्टेशन हो, चाहे 3200 किलोमीटर का सड़कों का नेटवर्क हो, चाहे 78% लोगों को पंपिंग के माध्यम से पानी सिंचित लिफ्टिंग से पानी पहुंचाने का प्रश्न हो, हर चीज में हम संभवतः प्रदेश में सबसे आगे। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस में शामिल होकर टिहरी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए ओम गोपाल ने कहा कि उत्तराखंड के निवासियों को गाली देने वाले नेता को बीजेपी ने टिकट देकर साबित कर दिया है कि उन्हें सिद्धांतवादी कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दावा किया है कि नरेंद्रनगर विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में ही जाएगी। निजात पाना चाह रही है और आज पूरा जनमानस जो है कांग्रेस के साथ खड़ा है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन इन्होंने कभी दो दो, अब कब तक हम लोग अपमान सहते रहेंगे? और सिद्धांत का क्या, हमने ही ठेका ले रखा है, इनके तो कोई सिद्धांत नहीं है, अपना आप तो ये जो मर्जी वो कर लें, और सिद्धांतवादी हमको बना दे रहे हैं। आज जो व्यक्ति आपके चैनलों के माध्यम से जो है डिबेट में आपने सुना, जो व्यक्ति उत्तराखंड को हरामखोर बोल रहा हो उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है टिकट दिया, जो हमने जो है गोली खाई है सीने में उत्तराखंड आंदोलन के लिए, 19 बार जेल गया हूँ, 17 केस हमने इस उत्तराखंड के लिए झेले हैं, उनको इन्होंने जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं ऐसे जो है उठा के फेंक दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा आक्रोश आज जनता में है, और आज चुनाव ओम गोपाल नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर आम जनता चुनाव लड़ रही है। बस हमको जो है यहाँ पर परिवर्तन लाना है, नरेंद्र नगर में जो है परिवर्तन का मन जनता बना चुकी है, और निश्चित तौर पे 1001% जो है नरेंद्र नगर में जो है परिवर्तन होने जा रहा है। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया, तो अपने ने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था, हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है, तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है इस आंदोलन में, बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई?
ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे खबरों का। चमोली में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सहित आप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सह प्रभारी को सौंप दिया। दरअसल बद्रीनाथ विधानसभा पर नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी के नामांकन से पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सह प्रभारी को सौंप दिया। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा से भगवती प्रसाद मंदौली को प्रत्याशी बनाया था, जो गुरुवार को अपना नामांकन करने गोपेश्वर पहुंचे थे। जैसे ही आपके प्रत्याशी नामांकन करवाने के लिए नामांकन कक्ष जाने लगे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावती सुर में चमोली के सह प्रभारी राजीव चौधरी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। आज हमारा नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी आज हमारे नामांकन करने के लिए गोपेश्वर आए थे, और जिस प्रकार बद्रीनाथ विधानसभा में भारी प्रत्याशी हमारे ऊपर स्टेट टीम द्वारा थोपा गया है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी बद्रीनाथ के पूरे संगठन माननीय जिला अध्यक्ष अनूप चौहान सहित सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया। आज चमोली जिले के तीन हमारे जो प्रत्याशी हैं, तीनों यहाँ नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं, और तीनों का नामांकन आज पूरा हो जाएगा, और पार्टी पूरे जोरों शोरों से चमोली जिले में तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधम सिंह नगर के 65 विधानसभा क्षेत्र दिनेशपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन काबल सिंह बुर्क और जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने फीता काटकर कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीनाथ विश्वास ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उनके बेटे अतुल पांडे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी है। वहीं दिनेशपुर के पूर्व चेयरमैन काबल सिंह बुर्क ने भी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर नगर पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल खारिज कराने का आरोप लगाया। उन्होंने हमारा नामांकन रद्द करवाया, और उनका लड़का 12 बजे रात तक वहाँ तहसील में बैठ के कूद कूद के वो टेबल में हाथ मार रहा था, तो मैं क्यों ना मानूं? मेरा और मेरा इतना हिम्मत था, मेरा पर्चा खारिज ना कराते तो मैदान में आते, वो तो कैबिनेट मंत्री थे ना, इतना उनके पास तो उनका तो इतनी पावर थी, मैं तो एक चेयरमैन ही लड़ रहा था, मेरे सामने लड़ते मैदान में पता चलता, क्या एक मेरे पीछे छुरा घोप दिया, मजा आता तो सामने लड़ाई होता, मर देते थे या सामने लड़ते, कौन जीतता कौन हारता, क्या नामांकन रद्द कराने का क्या फायदा आया? अरे कुछ भी नहीं है भाई, अरविंद पांडे वो एक, मैंने कहा था हमारे दीपावली वाले दिन, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर अपने आप को जन सेवक नेता समझते हो तो मेरे जिला पंचायत सीट के सामने अतुल पांडे को लड़ा के दिखा दो, अगर मैं चुनाव हारता हूँ गुलामी करूँगा, और वो दम नहीं हुआ तो विधानसभा क्या लड़ेगा? वो कई हज़ार वोटों से हारेगा, कई हज़ार वोटों से, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की गला घोटा है। इस दिनेशपुर में कावल सिंह पूरे उत्तराखंड यूपी में नाम है चेयरमैन पूर्व, उसकी उन्होंने प्रचार खारिज कराया। अतुल पांडे घंटा सा है, मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, कूद कूद के टेबल पे थपथपा रहा था, पूरा वीडियो है, ये तो उनका काम है, विकास कार्य को उन्होंने अनदेखी किया है, केवल किसका पर्चा खारिज कराना, जीते हुए को हराना, यही काम किया 10 साल में, और भाई भाई को लड़ाना, तो ये जनता समझ चुकी है। अब जनता धोखा नहीं खाएगा, बुरा हाल हारेगा, कांग्रेस की सरकार आ रही है, परमानंद हाजी कई हजारों वोटों में चुनाव जीतेगा। फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा के एक ब्लॉक के गांव मितपुर में वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान जिला अध्यक्ष मानविंद्र सिंह लोधी के समर्थकों और उनके ब्लॉक प्रमुख पत्नी को विरोध झेलना पड़ा। बता दें कि जसराना से प्रत्याशी मानविंद्र सिंह लोधी की पत्नी ज्योति किरण का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मोदी भगाओ देश बचाओ अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। विरोध झेलने के बाद गाँव से बिना प्रचार के ब्लॉक प्रमुख को अपने समर्थकों के साथ वापस लौटना पड़ा। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
आपने क्या कर दिया ये तो बता दो, जो करे उनको भाई किसी को ना किसी को पुर के बीसवा कोतवाली इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर 50 और 25,000 के दो इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश बीसवा और लहरपुर में डकैती और लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। बता दें कि चेकिंग के दौरान दोनों अपराधी भागने की फिराक में थे। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं के दातागंज 117 विधानसभा पर कांग्रेस की सीट को लेकर अटकलें अब समाप्त हो गई हैं। दातागंज 117 विधानसभा पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी आतिफ खां को घोषित कर दिया। वहीं इसको लेकर दातागंज से कांग्रेस नेता आतिफ खां से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विजय राठौर ने क्या कुछ कहा, आतिफ खां ने आपको सुनवाते हैं। बदायूं जनपद की जिस तरह से दातागंज सीट पे अटकलें थीं, वो अटकलें जो हैं समाप्त हो गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से आतिफ खां जख्मी को 117 विधानसभा से जो है अपना उम्मीदवार चुना है। आज उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि यहाँ से एक बार पार्टी ने तो भरोसा जताया है, और आप जनता के बीच अपने क्या वादे लेकर के जाएंगे, किस तरह के आपके मुद्दे होंगे, ये सब चर्चा करेंगे। आतिफ खां जख्मी हमारे साथ हैं। आतिफ जी, कि जनता के बीच किस किस तरह के हम लोग वादे कर लेकर के आप जाएंगे, पार्टी ने तो भरोसा जताया है, आप पार्टी के लिए कितना भरोसा लेकर के जनता के पास? पार्टी ने 117 विधानसभा दातागंज में एक इतिहास रचा है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी पे भरोसा जताया है। मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ और ख़ास तौर से बहन प्रियंका जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जात पात को छोड़कर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक यहाँ से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी मुस्लिम समाज से नहीं रहा है, और तो और किसी दल ने भी आज तक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और 72,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, और सब ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को हम धोखा नहीं देंगे, पेल के मतदान करेंगे और खूब ताकत से मतदान करेंगे। इस तरीके से जो मुझ पर भरोसा जताया है, जो प्रियंका जी की प्रतिज्ञाएँ हैं, उन पर मैं खरा उतरूँगा। और विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं को लेकर है। मैं छत्तीसगढ़ का मॉडल पेश करके भूपेश बघेल जी के आदर्शों पर चलकर बड़े बड़े जंगलों में गायें छुड़वाऊंगा। योगी जी की तरह गाय अब कटने और सड़ने नहीं दी जाएंगी, बड़े बड़े जंगलों में गाय छोड़ी जाएंगी और किसान आराम से सोएगा, ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता का वायदा है। आतिफ जी, जिस तरह से जो जातिगत समीकरणों की अगर बात आती है, तो क्या इस बार राजनीति किस तरह मोड़ ले रही है, किस तरह हवा है, क्या आंकड़े जातिगत से बढ़ने वाले हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में वैसे जाति बात को लेकर चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस जाति बात में विश्वास नहीं रखती है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने आज ऐसे नेता को टिकट दिया है जिसकी जाति इस विधानसभा दातागंज में सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।